हे गाइस, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है तीज, तो आप सभी को, जो लोग तीज के हैं, उन लोगों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं मेहंदी लगाई हूँ, ये बस ये, और एक हाथ में ही लगाई हूँ क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में लगता है और फिर और कोई है नहीं, भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इतना ही लगा लिया है। और मैं आज आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही थी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि इतने दूर से आया हुआ है तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हर चीज़ तो शेयर नहीं कर सकते हैं, पर जो भी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा रक्षाबंधन में भाई नहीं आ पाया था, तो ये इस बार आया है, अभी तीज के दिन आया है, तो वो बहुत सारा सामान लेके आया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो फ्रूट्स वगैरह हैं, ड्रेसेस हैं या क्लोथ्स है बाबू के, तो वो सारा चीज़ें मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि मेरे लिए क्या क्या लेके आया है। तो और गाइस, रक्षाबंधन का गिफ्ट भी नहीं लेके आया था, तो वो भी गिफ्ट इस बार ही लेके आया है, तो चलिए दिखाते हैं। और अभी गाइस इग्नोर कीजिएगा, मैं ना स्नान नहीं की हूँ, तो आज तीज है तो हमारे तरफ शाम को ही स्नान किया जाता है, तो थोड़ा सा फेस इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, और पहले का पहने हुए हैं तो वही है, और फेस पे कुछ भी अभी लगाए नहीं है, और फेस सिर्फ पानी से धुलाई किए हैं, तो चलिए दिखा देते हैं। इसमें साड़ी लगाई, देख सकते हैं साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग को लाइट भी देखिए तो पता चल रहा होगा कि ये खाता भी काम नहीं कर रहा है, अभी मेहंदी लगाई हुई खराब हो जाएगा। इसको मैं खोल के दिखा, मतलब इसको मैं पहनूंगी शाम को, तो शाम को मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी अच्छे से, और मेकअप वगैरह करूँगी, तो इस तरह का लुक क्रिएट कर रही हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो की आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो नए हैं वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए, और ये मेरे बाबू के लिए ये कपड़ा है, देख सकते हैं, ये मेरे बाबू के लिए आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, एंड इसके साथ ही चीज़ सारा पड़ा। और गाइस, और ये पूरा मेकअप का सामान है इसमें, तो मैं सिर्फ चूड़ी वगैरह आप लोग दिखा देती हूँ, बहुत सारा सामान है, तो एकदम से चूड़ी का मैच, साड़ी का मैच एकदम से चूड़ी है, और ये बहुत ही प्यारा है। और गाइस, जो ये वाला भी चूड़ी है ना, ये वाला भी एकदम से मैच कर रहा है साड़ी के साथ, तो सब कुछ लेके आया हुआ है। और भी चूड़ी है इसके साथ, इसमें है ये चार का सेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये एक साथ अलग से भी पहन सकते हैं, और इसे अलग से भी आप कड़ा के जैसा पहन सकते हैं, बहुत ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बिंदी है, मैं बिंदी छोटा छोटा ही लगाती हूँ, एकदम सिंपल सा लगाती हूँ, उसी की तरह है, इसमें थोड़ा सा नग बैठाया हुआ, और यहाँ पे एक और गाइस, ये क्लेचर देख रहे ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये एकदम से मैच कर रहा है। और गाइस, सिंदूर तो कंपल्सरी है, तो सिंदूर भी है, और नेक्स्ट दिखा देती हूँ और भी, तो इसमें मैं अभी खोल के आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, अच्छा बनने लगी तो भाई लेते हैं। और भी बहुत कुछ लेके आया है, तो उसकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं पाए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और गाइस, तीज में बिछुआ भी पहना जाता है, तो ये देख सकते हैं बिछुआ, ये वाला सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका सेट, इसमें चार को नग दिया है, चारों अलग अलग कलर का, और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। जब को रख देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आया हुआ है, मनरसा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी दिन भी है मनरक्षा का, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, तो लेके आया हुआ है, और गुजिया भी लेके आया है, ये सब तीज का ना, मतलब जो होता है ना 16 सिंगार, वो सब चीज़ लेके आया हुआ है, और वो नहीं आ पाया था रक्षाबंधन में, तो उसका भी गिफ्ट लेके आया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसा, तो
अभी मैं ना शाम के टाइम जो भी जैसे तैयार वगैरह हो जाती हूँ है। गाइस, शाम का टाइम हो गया है, मैं रेडी वगैरह होके और आ गई हूँ पूजा मंदिर में, तो चलिए करेंगे पूजा। और गाइस बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और साड़ी के साथ जो मेरा ब्लाउज़ है वो मैच कर रहा है कि नहीं। गाइस मैं ब्लाउज़ नहीं सिलवा पाई हूँ क्योंकि मेरा जो भाई है वो लेके आए हैं ये साड़ी, तो मैं वही पहनी हूँ, तो इस वजह से मैं ब्लाउज़ नहीं सिलवा पाई। तो मैंने ब्लाउज़ कट करके रख दिया है और मैं जो भी रेडीमेड ब्लाउज़ है उसे मैं पहनी हूँ। तो ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रेडीमेड जो ब्लाउज़ है वो कंट्रास्ट में है पूरा और साड़ी के साथ अच्छा मैच कर रहा है। तो कर लेते हैं पूजा, और सुबह से फास्टिंग के बाद ना सुस्त हो जाता है मन, तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से ही आज मैं पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर यहाँ पे पूजा करने के बाद, तो मैं अभी जैसे पूजा करते हैं वैसे करूँगी। पर आज करते हैं शिव पार्वती का पूजा किया जाता है, तो मैं उन लोगों को अच्छे से एक चौकी पे स्थापना रखी हूँ और उसके बाद फ़ोटो से मैं पूजा करूँगी। और सारे भगवान को पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फूल वगैरह सजा लेती हूँ, उसके बाद दिया वगैरह जलाएंगे। और आज का सुना जाता है कथा, तो एक होता है कथा का बुक होता है, उससे हम लोग पूजा करने के बाद जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, दान वान जो भी दिया जाता है, वो सारी चीज़ों को रख के और उसी कथा को हम लोग पढ़ते हैं। तो वो शिव पार्वती जी का कथा होता है उसमें, तो उन सारे कथा को पढ़ के और हमें अपने जीवन में उसी तरह से उतारना चाहिए, जो भी उसमें गलती सही जो भी लिखा रहता है वो सारी चीज़ों को हमें देख के समझना चाहिए। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर। तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तो अकेले हूँ, तो मैं जिस तरह से मुझे हो पाता है मैं उसी तरह से करती हूँ। और अभी मैं जाऊंगी पूजा घर पे करने के बाद मंदिर में भी मैं पूजा करूंगी शिव जी का, और वहाँ पे भी जाके फिर उसके बाद मैं कथा वगैरह वहाँ पे सुनूंगी। यहाँ पे भी मैं नहीं कर रही हूँ कथा, यहाँ पे सिर्फ प्रसाद वगैरह मैं चढ़ा दूंगी, दान वगैरह वाला जो भी है वो सब चीज़ चढ़ा के उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में कथा सुनने के लिए। तो ये सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर मंदिर। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं पूजा वगैरह करें और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इधर यहाँ पर इधर मंदिर है, अभी मंदिर बंद है बाबू, इधर